हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे हमारी हो गई है सुबह, अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में आज मैं खाऊंगी चाय और ब्रेड, और बच्चों को उनका तो फेवरेट है न्यूट्रेला, ब्रेड पे लगा के फिर वो खाते हैं। तो अभी मैं बना के दूंगी उनको ये अपनी सैंडविच, उसके बाद मैं लूंगी खुद की चाय, फिर उसके बाद बाकी की सुबह शुरू करेंगे। तो चलिए पहले बना देते हैं बच्चों का नाश्ता। तो जी फ्रेंड्स, बच्चों का हो गया है नाश्ता ऑलमोस्ट डन। अभी पढ़ेंगे ये कुरान पाक। सुबह का टाइम है, सवेरे सवेरे उठ के कुरान पाक पढ़ना चाहिए। अभी मैं करूँगी खुद नाश्ता चाय ब्रेड के साथ, उसके बाद मैं भी पढ़ूँगी कुरान पाक, उसके बाद लगेंगे बाकी काम के साथ। तो चलिए करती हूँ मैं पहले नाश्ता, उसके बाद बाकी काम करते हैं। चलेंगे ना बाहर तो फिर आइसक्रीम लेंगे बाहर से, ठीक है? ठीक है, इसको मत लगाओ, ये गंदी चीज़ है। नो, डोंट टच, ये नीचे रखो, रखो टेबल पे, टेबल पे रखो। बुरी बात है, ये लास्टिक है, लास्टिक। हाँ, लास्टिक रबर को बोलते हैं, लास्टिक। ठीक है, तो जी मेरी चाय भी आ चुकी है। आज मैं खा रही हूँ चाय के साथ एक ब्रेड, ये शुगर फ्री है तो इसीलिए मैं खा लेती हूँ। और अभी बनाऊँगी अम्मी के लिए जूस, क्योंकि नाश्ते में उसको मैं पिलाती हूँ जूस एप्पल और गाजर का। तो फिर अभी मैं फ़ोन कर रही हूँ। और हाँ फ्रेंड, शुगर फ्री मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, इसीलिए मैंने शुगर फ्री ली थी ब्रेड। आज था क्लीनिंग डे तो मैं मैट से करवा रही थी सारे घर की क्लीनिंग। आज अच्छे तरीके से सारे घर को करूँगी क्लीन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बेड के नीचे से भी सारी क्लीनिंग करवा ली है मैंने। तो मुझे ये पसंद नहीं है, कुछ लोगों की आदत होती है कि बेड के नीचे सामान रख देते हैं और फिर झाड़ू बाहर बाहर से लगा देते हैं, तो फिर वो अच्छी तरीके से वो क्लीनिंग नहीं होती, डस्ट वगैरह नीचे पड़ जाती है। तो फिर मुझे ये आदत है कि नीचे से भी मैं रोज़ जो झाड़ू लगाती है मैट, तो उसको मैं कहती हूँ कि रोज़ इसके नीचे से भी झाड़ू लगाया करो और पोछी भी दिया करो, तो नीचे से भी क्लीन होता है तो फिर अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे मैं करूँगी पूरी डस्टिंग। डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे ये जो दो स्पीकर्स पड़े हैं इनकी सेटिंग आज मैं करूँगी चेंज। ये जो जगह थोड़ी सी बची हुई है वहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि ये दोनों स्पीकर वहाँ पे फिट कर दूँ, ताकि ड्रेसिंग को थोड़ी और स्पेस मिल जाए। तो उस ड्रेसिंग को हम करें थोड़ा सा ऊपर साइड पे, तो अच्छे तरीके से वो बेड पे भी मिरर नज़र आएगा तो वो अच्छी लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी जगह चेंज कर दी है, स्पीकर्स वगैरह मैंने एक साइड पे कर लिए हैं और ड्रेसिंग को थोड़ा सा ऊपर कर लिया था। उसके बाद आ गई थी यहाँ पे बाहर, लाउंज की सफाई करवाई थी पूरी, यहाँ पे जाली शाली उसने निकाल दी थी। अभी वो लगा रही थी मैट मेरी झाड़ू, तो मैंने सोचा आपके लिए थोड़ी सी क्लिप बना लूँ।
उसके बाद बाकी सारा काम फिनिश किया, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो अभी हो गए थे शाम के 4 और यहाँ पे आए थे डॉक्टर अम्मी को इंजेक्शन लगाने। मैंने आपको अगले व्लॉग में बताया था कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ पे उसको इंजेक्शन लगाने आया था डॉक्टर। तो आज लास्ट इंजेक्शन है, बस आज कैनुला अम्मी की उतारेंगे। तो बस फ्रेंड, आपकी दुआओं की वजह से अम्मी की तबीयत बहुत बेहतर है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी हमारे लिए दुआएं की उसके लिए। बस फ्रेंड, उसके बाद अम्मी की कैनुला उतर रही थी, लेकिन यकीन माने मैं वीडियो भी देख नहीं पा रही थी कि इतना मुझे वो हो रहा था कि मैंने आज तक खुद इंजेक्शन नहीं लगवाई है तो मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे अम्मी की कैनुला जब उतर रही थी तो मैं, वैसे तो मैंने नहीं देखा था, कहीं और चली गई थी, लेकिन वीडियो में भी मैं देख नहीं पा रही थी। शाम को उनके पापा आए थे ऑफिस से, तो बच्चे कह रहे थे उनको कि पापा हमारे साथ थोड़ी देर खेलें। तो ये यहाँ पे गली में ही बाहर गेट के बाहर खेल रहे थे थोड़ी देर के लिए क्रिकेट। बस फ्रेंड, उसके बाद हो गया था रात का टाइम, खाना बनाने का टाइम। और अभी हम बाहर आए थे कार पोच में खाना बनाने, क्योंकि यहाँ पे ये सिगरी टाइप हमारा चूल्हा था। हमने सोचा आज खाना बनाते भी बाहर हैं और खाते भी बाहर हैं। तो यहाँ पे खाना बन रहा था, आज सबका मूड था आलू फ्राई पे, तो आज हमने बनाए थे आलू फ्राई। और बाहर बिछाई थी बड़ी चटाई जिस पे हम सारे बैठे थे, बच्चे में सारी फैमिली बाहर बैठ के ठंड में किया खाना एंजॉय। खाने के बाद हम निकल गए थे बाहर वॉक करने। और आजकल मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, बहुत ठंड पड़ गई है, तो बच्चों को मैंने कहा कि आप जैकेट्स वगैरह पहन लें, ऐसा ना हो कि फिर आपको ठंड लगे। तो यहाँ पे मैंने भी जॉगर्स वगैरह पहनी थी। काफ़ी टाइम हमने वॉक की, तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस व्लॉग को करते ही यहीं पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।